फिर से छा गई हैं विनेश फोगाट। दरअसल स्टार महिला रेसलर विनेश फोगाट ने रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया है। विनेश वर्ल्ड चैंपियनशिप के इतिहास में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर और ओवरऑल दूसरी भारतीय पहलवान बन गई हैं। विनेश ने बुधवार को ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया। ये वर्ल्ड चैंपियनशिप सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में खेली जा रही थी। विनेश से इस बार गोल्ड की उम्मीद थी, लेकिन वो महिला फ्री स्टाइल के 53 किलो भार वर्ग में क्वालिफिकेशन दौर में मंगोलिया की खुलान के हाथों 0-7 से हार गई। लेकिन अब उन्होंने शानदार वापसी की है और 53 किलो भार वर्ग के रेपचेज मुकाबले में स्वीडन की रेसलर को उन्होंने 8-0 से हराया है और इसी के साथ विनेश ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं। विनेश फोगाट ने हाल ही में CWG 2022 में जीत दर्ज कराई थी। विनेश ने इससे पहले CWG 2014 में भी मेडल जीता था, 2018 में भी गोल्ड मेडल उन्होंने जीता था। इसके साथ ही एशियन गेम्स 2018 में गोल्ड मेडल विनेश ने भारत के नाम किया था और एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान वो बनी। विनेश फोगाट ने हाल ही में CWG 2022 में जीत दर्ज कराई है। इससे पहले 2014 और 2018 में भी उन्होंने भारत का नाम रोशन किया था, भारत की झोली में मेडल डाला था। और देखिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी करण खुराना मेरे साथ जुड़ गए हैं। करण, हालांकि ये पहला मौका नहीं है, लेकिन एक बार फिर से विनेश फोगाट ने भारत का नाम रोशन कर दिखाया है। जी बिल्कुल, जैसा कि उम्मीद की जाती है विनेश फोगाट से, वो लगातार जो है बेहतरीन प्रदर्शन करती है और इस बार फिर जो है भारत की झोली में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीतकर जो है इतिहास रचती है, क्योंकि ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है और इतिहास रचती है। और इस इतिहास को देखने के लिए जो है पूरा गांव भी जो है उनके खुशी में जो है उनके परिवार के साथ है, क्योंकि भिवानी में इनके गांव के पास जो है पूरे ग्रामीण जो एरिया है उनके पास अभी जो है उनके माता पिता को बधाई दे रहे हैं और जिस तरीके से माता पिता भी लगातार कह रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने मेहनत करी है और उसी का नतीजा है कि लगातार जिस तरीके से विनेश फोगाट मेडल ला रही है वो उसी का नतीजा है। और साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से देसी खाना उन्हें खिलाया जाता है और उसी के तहत जो है मेडल लेकर आई। और खुद इसमें CM मनोहर लाल की भी लगातार तारीफ होती रहती है खेल नीति, क्योंकि जिस तरीके से खेल नीति को बढ़ावा दिया जा रहा है और खेल नीति इतनी बेहतरीन रही है और खुद जो है CM लगातार जब भी कोई खिलाड़ी मेडल जीत कर आता है उसकी किस तरीके से जो है चाहे आर्थिक रूप से मदद हो और किस तरीके से उनकी सराहना की जाती है, तो उसी का नतीजा है कि लगातार जो है हरियाणा के जो खिलाड़ी है वो मेडल लेकर आ रहे हैं और विनेश फोगाट भी इसी के मद्देनजर जो है मेडल लेकर आई। इससे पहले हमने देखा था कैसे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा भी लगातार मेडल जीत कर ला रहे हैं, तो हरियाणा के खिलाड़ी जो है उनसे हमेशा उम्मीद इसलिए की जाती है क्योंकि हरियाणा की मिट्टी में कुछ ना कुछ बात है। जिस तरीके से सभी कहते हैं, PM मोदी भी तारीफ करते हैं, तो ये उसी का नतीजा है, क्योंकि हालांकि गोल्ड की उम्मीद की जा रही थी विनेश फोगाट से कि वो गोल्ड मेडल लेकर आएगी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया तो उन्हें ब्रॉन्ज मेडल से ही जो है अपनी संतुष्टि करनी पड़ी। ये भी बताइए कितनी मेहनत छुपी थी इस प्रदर्शन के पीछे, ये जो मेडल उन्होंने भारत के नाम किया है, कितनी कड़ी मेहनत लगी उन्हें ये पाने में। जी बिल्कुल, बेहद ही काफी ज्यादा एक खिलाड़ी को बनने में काफी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि शुरुआती दौर से जो है खिलाड़ी को अपनी डाइट को जो है जिस तरीके से डाइट उनकी खिलाड़ियों की बिल्कुल अलग होती है और जिस तरीके से कोच जो कहता है, क्योंकि कई तरह के जो है जिस तरीके से बदलाव होता रहता है, जिस तरीके से खिलाड़ी आगे बढ़ता रहता है तो अपने उसके जीवन में कई तरह के जो है कोच आते हैं, हर लेवल पर कोच आते हैं, इंटरनेशनल कोच भी आते हैं, नेशनल कोच भी आते हैं, तो उनका कहना मानना वो विनेश फोगाट लगातार मान की आ रही है। और जिस तरीके से डाइट प्लान उनका रहता था वो बेहद ही टफ रहता था, वो ज्यादा जो है खाने में एक्स्ट्रा फैट नहीं और केवल जो खाना है जिसमें पौष्टिक खाना है वही केवल लेती थी और उनके माता पिता भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्होंने जिस तरीके से मेहनत करी ये उसी का नतीजा है। और जिस तरीके से विनेश फोगाट भी लगातार जब भी मेडल जीत कर लाई है तो उन्होंने हमेशा कोच को ही बधाई दी और माता पिता की जो है सराहना की है, क्योंकि उनके नक्शे कदम पर ही जिस तरीके से एक महिला होकर जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया, पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया, तो उसी का नतीजा है कि उन्होंने अपने माता पिता
जिस तरीके से उन्होंने माता पिता को, क्योंकि हरियाणा में कहीं ना कहीं बेटियों को लेकर कहीं ना कहीं गलत समझा जाता है, एक गलत धारणा पैदा की जाती है बेटियों को लेकर कि बेटी जो है आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन उन्होंने इससे हटकर जिस तरीके से बेटियों को भी एक मैसेज दिया है कि बेटियां भी आगे बढ़ सकती है, तो उनके माता पिता का भी सहयोग रहा है और उनकी खुद मेहनत रही है। एक करण ये भी बताइए, साथ ही इस जीत के साथ साथ भारत का कद कितना बढ़ गया है, अभी अभी कहां हम भारत को खड़ा पा रहे हैं? जी देखिए, भारत का कद आप खुद देखेंगे, जिस तरीके से 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार आई थी, हालांकि राजनीति की बात नहीं, इसमें कहीं ना कहीं 2014 के बाद जिस तरीके से पीएम मोदी भी लगातार जो है खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं, लगातार कोई भी टूर्नामेंट रहता है, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट कोई भी रहता है, तो वो लगातार खिलाड़ियों से जो है चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था उस समय भी पीएम मोदी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिलाड़ियों से मिले थे, लेकिन उससे पहले भी जो है लगातार चाहते हैं कि पीएम मोदी उनको डिनर पर बुलाए या उनसे मुलाकात करें, खिलाड़ियों का और खेल टूर्नामेंट शुरू होने से पहले उनको प्रोत्साहित करें, और फिर खिलाड़ी जब मेडल जीत कर आता है फिर उनको जो है खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं। तो उसके बाद हमने देखा है कि 2014 के बाद से लगातार खिलाड़ी जो है वो मेडल लेकर आया है और देश का नाम जो है वो रोशन किया है, और जिस तरीके से देखा था हमने तमाम जो टूर्नामेंट है उसमें कई खिलाड़ियों ने जो है चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें, ओलंपिक की बात करें, तो एक इतिहास रचा था और जिस तरीके से लगातार जो है मेडल लेकर आए थे, चाहे वो गोल्ड मेडल हो चाहे ब्रॉन्ज मेडल हो, और कई खिलाड़ी जो है फेमस भी हुए, क्योंकि नीरज चोपड़ा का नाम देखेंगे तो जिस तरीके से उन्होंने गोल्डन मेडल जीता था मोदी सरकार के दौरान ही, तो उसी दौरान उनका नाम जो है वो फेमस हुआ था, और उन्होंने खुद जो है मनोहर सरकार की तारीफ करी थी कि मनोहर सरकार की जो खेल नीति रही है उससे कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिली, और खुद जो है खिलाड़ी भी लगातार सीएम मनोहर लाल की तारीफ करते हैं कि लगातार उनकी जो है मदद करते हैं हरियाणा सरकार, और हरियाणा सरकार ने जिस तरीके की खेल नीति बनाई है, जिस तरीके के जो हाई लेवल के कोच है जो स्टेडियम में, उससे कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को जो है जो शार्प खिलाड़ी हुए वो उनको कहीं ना कहीं मदद मिली है। करण, क्योंकि आप खेल नीति का भी जिक्र कर रहे हैं बार बार, मैं आपसे उसी से जुड़ा ये सवाल भी करना चाह रही थी कि खिलाड़ियों की तरफ से इसको किस तरह से देखा जाता है, कितनी प्रशंसा खेल नीति के खिलाड़ी खुद करते हैं, और ये भी बताइए कितना बदलाव और कितना फायदा इस खेल नीति के आने के बाद खिलाड़ियों ने खुद महसूस किया है। जी देखिए, खेल नीति की जहां तक बात करिए तो खेल नीति से कहीं ना कहीं खिलाड़ी जो है काफी खुश भी है, क्योंकि खेल नीति का ही ये नतीजा है कि लगातार जो है मेडल आ रहे हैं, और कोई भी खिलाड़ी हरियाणा की कोई भी खिलाड़ी जो मेडल जीत कर आता है वो जरूर मनोहर सरकार की खेल नीति की तारीफ करता हुआ देखा जा सकता है, क्योंकि खुद जब सीएम मनोहर लाल मिलते हैं तो खिलाड़ी कुछ ना कुछ ऐसा बयान जरूर देता है कि मनोहर सरकार की जो खेल नीति है या मनोहर सरकार की जो भी खेल को लेकर नीति रही है, चाहे वो संदीप सिंह की बात करें, क्योंकि खेल मंत्री संदीप सिंह भी लगातार जो है खुद मैदान पर जाते हैं और बताते हैं कि किस तरीके की स्टेडियम में जो है जो जरूरतें हैं, क्योंकि खुद जो है खिलाड़ी रह चुके हैं संदीप सिंह, उनको वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि एक खिलाड़ी की जरूरत क्या है, उसको किस तरीके से जो है चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, उसका डाइट प्लान किस तरीके का रहता है, तो एक अगर जब हमारे पे खेल मंत्री ही ऐसा हो जो खेल जो खिलाड़ी रह चुका है तो कहीं ना कहीं खेल नीति जो है बेहतरीन होनी ही होती है, और जिस तरीके से मेडल हरियाणा के खिलाड़ी लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है कि हमारी हरियाणा की जो खेल नीति है वो बेहतरीन है। बाकी राज्यों में देखेंगे तो इतनी जो है इतने मेडल आते नहीं है, और इतनी जो है चाहे देश के लोग भी इतनी उम्मीदें करते नहीं है बाकी राज्यों से, और खुद पीएम मोदी कह चुके हैं कि जिस तरीके से हरियाणा के खिलाड़ी लगातार मेडल लेकर आते हैं तो कुछ ना कुछ हरियाणा की मिट्टी में दम है और हरियाणा की जो है खेल नीति में दम है, इसी का नतीजा है कि जो है खिलाड़ी मेडल लेकर आते रहते हैं। बहुत शुक्रिया करण आपका खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, कुछ खिलाड़ियों का हौसला, जज्बा, उनका जुनून, तो कुछ सरकार के प्रयास, और यही नतीजा इसका रहता है कि भारत का नाम रोशन होता है, मेडल भारत की झोली में एक के बाद एक आते हैं।